29H देखो, हेलो 29H, नहीं H देखो, नहीं वहां कुछ नहीं, वो सवाई से आगे बता देंगे। 29H आइडेंटिफाई द कैंडिडेट, मतलब ये कि जो पीएमई के लिए जाएगा और है ना आईएमई के लिए, तो उसकी पहचान कैसे करेगा डॉक्टर, है ना। आइडेंटिफाई द कैंडिडेट, तो है ना जो पीएमई के लिए जाएगा और है ना आईएमई के लिए, तो डॉक्टर उसको कैसे पहचान करेगा। तो एवरी कैंडिडेट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर अ रूल 29B है ना, 29B के अनुसार सेल एट द टाइम एग्जामिनेशन हैंड ओवर थ्री अनमाउंटेड फोटोग्राफी, ठीक है, तीन फोटो लेके जाएगा, ठीक है अपनी, ठीक है द एग्जामिनेशन अथॉरिटी आफ्टर सेटिस्फाई ईच फोटोग्राफी लाइक सेम, जिसकी मतलब जो रहेगा उसी फोटो है ना पहचान के लिए, तीन फोटो देगा, ठीक है फोटो उसी व्यक्ति की हो, है ना, उसमें अपने पिता का नाम रहेगा और किसका रहेगा, हस्बैंड का नाम रहेगा, है ना, विथ नेम ऑफ फादर नेम हस्बैंड नेम ऑफ द कैंडिडेट, है ना, ठीक है। जो फॉर्म ओ रहेगा उसमें क्या करेगा, अपना सिग्नेचर करेगा, ये यहाँ पे दिया है फॉर्म ओ में, ना बताते ना फॉर्म ओ किस लिए है, डॉक्टर जांच के बाद जो रिपोर्ट लिखता है किसमें लिखता है, फॉर्म ओ में, फॉर्म ओ में, तो उसमें क्या करेगा अपनी सिग्नेचर करेगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया अपना 29H, यहाँ से कुछ भी यही था बता दिया है ना। 29I देखो, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है ना, नो वुमेन शैल बी विदाउट हर कंसर्न एंड मेडिकल एग्जामिन बाय हर मेल मेडिकल पर्सन एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर वन, ठीक है, जब तक वुमेन इजाजत नहीं देगी तो कोई भी, ठीक है डॉक्टर है ना मेल MBBS उसकी जांच नहीं कर सकता जब तक उस कमरे में एक और वुमेन प्रेजेंट ना हो, ठीक है एक और महिला प्रेजेंट ना हो, ठीक है। 29J देखो, अपील फॉर री एग्जामिनेशन, जिसे मान लो 29J अपील फॉर री एग्जामिनेशन, इसमें क्या है तो मान के चलिए कि एग्जाम किया गया है ना डॉक्टरी वाला, है ना, और उसमें कोई अनफिट हो गया है ना, तो उसका री एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, दोबारा उसका चेकअप कैसे किया जाएगा, है ना, समझ में आया। व्हेन अ रिजल्ट ऑफ इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर क्लोज है ना पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर क्लोज बी रूल 29B, ठीक है रूल 29B के अनुसार अ पर्सन हैज बी डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन अ माइंस और अ पर्टिकुलर कैटेगरी माइन स्पेसिफाई ऑपरेशन इन माइन ही मे विद इन 30 days ऑफ द रिसीव हिम अ कॉपी द सर्टिफाई रिफर टू सब रूल 22 इन रूल 29F, ठीक है। जैसे मान लो कोई अनफिट हो गया है ना, अनफिट उसको कर दिया डॉक्टर ने, समझ रहे हो, अनफिट करार दे दिया है ना, तुम अनफिट हो, तो क्या करेगा कि 30 दिन के अंदर दोबारा अपील कर सकता है, ठीक है कितने दिन के अंदर याद रखना, 30 दिन के अंदर दोबारा अपील कर सकता है ना, अगर फिट नहीं है तो, ठीक है फिर उसको दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, है ना। जैसे कोई फिट नहीं तो कितने दिन के अंदर दोबारा अपील कर सकता है, क्वेश्चन आएगा तो कितने दिन के अंदर कर सकता है, 30 दिन के अंदर कर सकता है, ठीक है। नहीं नहीं जैसे एक्सरे वगैरह हुआ, एक्सरे हुआ है ना, आँख का हुआ, कान का हुआ, जिसमें कोई प्रॉब्लम रहती है, फिर माइंड की जो जो बीमारियां हैं उसमें से कोई सी हो जाती है, तो उसको फिर क्या दिखाते हैं, अनफिट दिखाते हैं, है ना, कि वो क्या है अनफिट, ठीक है। तो वो मानता है कि मैं अनफिट नहीं हूँ, तो दोबारा उसका एग्जामिनेशन कितने दिन में होगा, 30 दिन के अंदर की, है ना। फाइल अपील मैनेजर एजेंट एंड डिक्लेरेशन है ना मेडिकल एग्जामिनेशन अपील मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट अंडर 29 रूल 29K, ठीक है। हाँ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, फिर मैनेजर क्या करेगा, उसको दोबारा री एग्जामिनेशन के लिए नोटिस देगा, है ना, ठीक है ना। ठीक है, फॉर्म ओ में दिया जाएगा ना री मेडिकल के लिए भी नोटिस, कितने किसमें दिया जाएगा, फॉर्म ओ में ना।
सॉरी फॉर्म आर में री मेडिकल के लिए नोटिस किसमें देंगे, फॉर्म आर में, फॉर्म आर में भर के नोटिस देंगे ना, ठीक है। मेडिकल की रिपोर्ट किसमें रखेंगे, फॉर्म ओ में, ठीक है। अब पर्सन हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेल सबमिट हिमसेल्फ मेडिकल री एग्जामिनेशन इन अकॉर्डिंग टू नोटिस गिव अंडर रूल सेल्फ गिव अंडर नोटिस फॉर्म आर, ठीक है। किस फॉर्म में देंगे, फॉर्म आर में, ठीक है, भर के देंगे, ठीक है। पर्सन इज विदाउट रीजनेबल केस एंड हिमसेल्फ मेडिकल री एग्जामिनेशन में बिना कारण के अगर वो नहीं आता है जांच करवाने, नोटिस गिव हिम अंडर एम्प्लॉयमेंट डेट माइन और अ पर्टिकुलर कैटेगरी स्पेसिफाई माइन इन द केस ऑफ आफ्टर अ एक्सपायरी डेट 30 मतलब 30 दिन के अंदर, है ना। तो उसको क्या कर दिया जाएगा, फिर नौकरी से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, है ना। इसे उसको नोटिस देते हैं, है ना। तो 30 दिन के अंदर फिर से काहे के लिए नहीं आता, मेडिकल के लिए नहीं आता, है ना, बिना किसी कारण के ही, तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, है ना। इन रिस्पेक्ट एवरी मेडिकल री एग्जामिनेशन, हाँ कोई कारण होगा, एथलेटिक मेडिकल बोर्ड अप्लाई शैल बी पे अ सच फी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट अ सच मैनर में बी डिटरमाइंड बाय द एप्लीट मेडिकल बोर्ड अप्लाई, है ना, एंड द एप्लीट मेडिकल बोर्ड हिम फिट एंड एम्प्लॉयमेंट इन माइंस फीस शैल बी रिज्यूम फुल अप्लाइड बाय द ओनर ऑफ द माइंस, ठीक है। और जो री अप्लाई मतलब री एग्जामिनेशन के लिए जो खर्चा लगेगा, फीस कौन देगा, तो माइन का कौन देगा, ओनर, जैसे माइन का ओनर क्या कौन है, WCL, इसका खर्चा कौन देगा, WCL देगा, है ना, जो भी खर्चा आएगा री एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि कितने हाँ बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। री एग्जामिनेशन के लिए कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, तो 30 दिन के अंदर, ठीक है, 30 दिन के अंदर दोबारा अपील कर सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन री एग्जामिनेशन के लिए कितने दिन के अंदर, तो 30 दिन के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब फिर इसमें बनेगा कि री एग्जामिनेशन के लिए किस फॉर्म में नोटिस भर के देंगे, तो नोटिस किस फॉर्म में भर देंगे, फॉर्म आर में, री एग्जामिनेशन के लिए नोटिस फॉर्म आर में, है ना, भर के देंगे, ठीक है। फिर अगला बनेगा 30 दिन के अंदर दोबारा अपील कर सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और री एग्जामिनेशन के लिए नोटिस कितने दिन पहले देंगे, तो 15 दिन पहले देंगे, जैसे 30 दिन के 30 दिन बाद उसने अपील लगा दी, ठीक है, तो 15 दिन के अंदर उसको दोबारा नोटिस भेजा जाएगा ना कि तुम आ जाओ जांच कराने, ठीक है, समझ में आया, हाँ 15 दिन पहले, 30 दिन के अंदर वो दोबारा अपील करेगा और 15 दिन के अंदर जांच के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सब किसकी जिम्मेदारी रहती कराने की, तो मैनेजर की रहती है जांच वगैरह कराने की, ठीक है। किस फॉर्म में भर के देंगे, री एग्जामिनेशन आता है पेपर में, है ना, री, है ना, री में दोबारा जांच का री एग्जामिनेशन किस फॉर्म में, तो फॉर्म आर में, ठीक है। हम लोग अभी बहुत सारे फॉर्म पढ़ चुके हैं, फॉर्म पी पढ़ चुके हैं ना, उधर एम पढ़ के आए हैं, एन पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हैं ना पीछे साइड, वो पढ़ रहे हैं फॉर्म, हाँ फॉर्म आर, आज एक और पढ़ लिए फॉर्म आर, है ना। 30 दिन के अंदर दोबारा अपील करेगा, है ना, ठीक है। और 15 दिन के अंदर क्या किया जाएगा, उसको जांच के लिए नोटिस भेजा जाएगा कि हाँ जांच के लिए आ जाओ, है ना, ठीक है ना। खर्चा कौन उठाता है, तो कौन उठाएगा, ओनर, ठीक है, जो मालिक रहेगा, ठीक है। री एग्जामिनेशन के कौन से फॉर्म में भर के देते हैं, तो फॉर्म आर में, री एग्जामिनेशन विच फॉर्म, तो फॉर्म आर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लिएट मेडिकल बोर्ड, ठीक है, कौन कौन होगा उस मेडिकल बोर्ड में, री एग्जामिनेशन के मेडिकल बोर्ड में कौन कौन रहेगा, कितने लोग रहेंगे जो दोबारा जांच होगी, ठीक है। फॉर अ पर्पस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन ऑन अप्लाई एप्लिएट मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंसिस्ट फॉलोइंग, है ना, कौन कौन रहेगा, तो देखो
ड्यूली क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी हु शैल ऑल्सो एक्ट एज अ कन्वेनर ऑफ अ बोर्ड। ठीक है, देखो एक कौन रहेगा जो डीजीएमएस के द्वारा एक डॉक्टर रहेगा, ठीक है, री एग्जामिनेशन में, ठीक। वन मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी क्वालिफाई एलोपैथी, एक डॉक्टर कौन सा रहेगा एलोपैथी का, तो रहेगा ही, कंपलसरी है, ठीक है। हाँ 29 के एक तो अपना एलोपैथिक रहेगा, एक डीजीएमएस के द्वारा जो डॉक्टर रहेगा, ठीक है। और कौन रहेगा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंट मेडिकल सर्जन से कम नहीं होगा, ठीक है। और कौन रहेगा जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा से, कौन सा डॉक्टर रहेगा जो असिस्टेंट मेडिकल सर्जन लेवल से कम ना हो, ठीक है, असिस्टेंट मेडिकल सर्जन लेवल से कम ना हो, ठीक है, एक वो रहेगा, ठीक है ना। यहाँ तक आई, कौन कौन रहेगा, क्लियर हुआ। एक डीजीएमएस का रहेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में, एक कौन रहेगा अपना, एक एलोपैथी रहेगा, है ना, एक और एक, हाँ, एक कौन रहेगा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किस रैंक का रहेगा, किस रैंक का रहेगा जो मेडिकल सर्जन लेवल से कम का ना हो, है ना, असिस्टेंट मेडिकल सर्जन लेवल का, तीन लोग, ठीक है। अभी जो चौथी लाइन पर लिखा है कि अगर कोई एलोपैथी वाला डॉक्टर नहीं है, है ना, मान लो नहीं है किसी कारण बस, और असिस्टेंट सर्जन लेवल से, तो वहां पे असिस्टेंट सर्जन लेवल से कम का भी अप्लाई में मेडिकल बोर्ड में हो सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर इनमें से कोई डॉक्टर नहीं है, जैसे जितने इसमें बोले गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा कि कम से कम कितने डॉक्टर को होना जरूरी है, तो कम से कम दो डॉक्टर रहेंगे, ये लिखा है विथ टू पर्सन ओनली, हाँ एक ही बनेगा, है ना, कम से कम दो तो रहेंगे ही, ठीक है। आखिरी में बताएंगे, अभी सुने, चलो आखिरी में, अभी रिकॉर्डिंग आखिरी में बताएंगे। 29 है, आई देखो, स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द एप्लिएट मेडिकल बोर्ड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कुछ छूट गया, इसको देख लो। अप्लाई मेडिकल बोर्ड की मीटिंग साल में कितनी बार होती है, चार बार, ठीक है, चार बार होती है, ठीक है। अप्लाई मेडिकल बोर्ड की मीटिंग साल में चार बार होती है, क्वेश्चन याद रखना। स्टैंडर्ड 29 आई देखो, स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय एप्लिएट एंड मेडिकल बोर्ड, ठीक है। द एप्लिएट मेडिकल बोर्ड शैल बी मेडिकली एग्जामिन द, मेडिकली एग्जामिन द एप्लीएंट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ ले डाउन इन अ फॉर्म पी। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन वर्कर ऑलरेडी एम्प्लॉय हैज वेल हैज पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ले डाउन फ्रॉम P1, ठीक है, फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन टू एम्प्लॉय एंड सेल इशू मैनेजर ऑफ द माइन कंसर्न एंड टू एप्लीएंट अ मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म S, ठीक है। देखो जो अपना IME होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड क्या होगा, ठीक है, मेडिकल का, तो जो IME होगा वो किस फॉर्म में भर के रखा जाएगा, तो फॉर्म P में, ठीक है, IME, और जो PME होगा वो किस फॉर्म में भर के रखेंगे, फॉर्म P1, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। जांच करने के बाद जो सर्टिफिकेट इशू करेगी बोर्ड, वो किस फॉर्म में करेगी, तो फॉर्म S में, ठीक है। मतलब अप्लाई री एग्जामिनेशन वाला जो रहेगा, उसकी जांच की रिपोर्ट किस में रखना है, फॉर्म S में। नॉर्मल कहाँ में रखते थे, फॉर्म O में, एग्जामिनेशन के बाद रिपोर्ट, ठीक है, पहले री एग्जामिनेशन का किस में रखना है, फॉर्म S में, ठीक है। IME में अगर कोई अनफिट है तो उसका कहाँ में रखेंगे, फॉर्म P में। PME में कोई अनफिट है तो उसका कहाँ में रखेंगे, फॉर्म P1 में, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट किस फॉर्म में रखेंगे, तो फॉर्म S में, ठीक है। री मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट किस में रखेंगे, फॉर्म S में, ठीक है। IME कहाँ रखेंगे, फॉर्म P में, और PME कहाँ में रखेंगे, फॉर्म P1 में, ठीक है। यहाँ तीन फॉर्म और जरूरी है, ध्यान रखना, सब क्वेश्चन बनेंगे।
ठीक है, नॉर्मल जांच के बाद रिपोर्ट कहाँ में रखता है, तो फॉर्म ओ में, ठीक है, आई एम पी एम के बाद कहाँ में रखेंगे, फॉर्म पी और फॉर्म पी वन में, ठीक है। अगला अपना है 29M, अनफिट पर्सन नॉट बी एम्प्लॉय, ठीक है। ठीक है, इसको देखो थोड़ा सा नॉट, अगर कोई अनफिट हो जाता है तो वो फिर एम्प्लॉय नहीं रहेगा, है ना। 29M, वेयर रिजल्ट इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन या आई एम ई या पी एम ई में, है ना, रूल 29B के अनुसार अगर कोई पर्सन को अनफिट डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयमेंट माइंड पर्टिकुलर कैटेगरी माइंड, तो उसको किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा माइंड के, शैल नॉट बी एम्प्लॉय कंटिन्यू एम्प्लॉय इन अ माइंड, है ना, एंड रिस्पेक्ट टू एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ, ठीक है, जब तक वो 30 दिन के लिए फिर से क्या ना करेगा, है ना, जांच के लिए दोबारा लगाएगा आवेदन, है ना, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन अनलेस ही हैज फिल्ड अ अप्लाई अंडर अ सब रूल, वही सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं है। हाँ मिलता है, कोई पर्सन अनफिट मिलता है चाहे उसका पीएमई हुआ हो चाहे आईएमई, है ना, बताए थे पीएमई आईएमई क्या है, है ना, तो अगर अनफिट है तो उसको माइंड में किसी काम में नहीं रखा जाएगा, है ना, जब तक कि वो 30 दिन के लिए दोबारा अप्लाई करेगा और वहां से वो फिट होके नहीं आ जाता तब तक उसको काम में नहीं रखना है, ठीक है। पर्सन कंसर्न अप्लाई सब रूल 29J What has been applied a medical board after medical re-examination to be unfit employed in a particular category on a wise sub dua hai expiration expiry 30 days from the date of medical re-examination theek hai apply medical board provide that medical officer carrying a initial medical examination periodic medical examination 29B apply medical hai na ye sab padh ke bata de jo zaruri hai wo bata dete hain kuch nahi hai ध्यान से सुनो इसमें क्या दिया हुआ है इसको बस सुन लो जो जरूरी एकदम रहेंगे चैप्टर उसको बताएंगे इसको यूं ही समझ लो जैसे कोई व्यक्ति अनफिट हो जाता है ठीक है तो उसको माइंड में काम में नहीं लगाया जाएगा चाहे आईएमई में हुआ हो चाहे पीएमई में ठीक है फिर 30 दिन के अंदर वो क्या करेगा दोबारा आवेदन लगाएगा फिर से उसकी जाँच होगी जब तक वो फिट होके नहीं आ जाता है ठीक है तब तक उसको काम में नहीं लगाया जाएगा ठीक है पर अगर अप्लाई मेडिकल बोर्ड चाहे तो है ना कम से कम काम पे लगाया जा सकता है कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए उसे काम पे लगाया जा सकता है अगर अप्लाई मेडिकल बोर्ड चाहे तो उसको 6 मंथ के लिए काम में लगाया जा सकता है ठीक है उसके बाद अगर वो फिट हो जाता है तो ठीक है नहीं तो फिर उसको क्या कर देंगे बाहर कर देंगे है ना कम से कम 6 निकाल देंगे है ना। अगला अपना क्या है 29N कंपनसेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिसीज आ रहा है यार वही अगला है 29N है ना पढ़ तो रहे हैं जैसे किसी भी व्यक्ति की जांच हुई अनफिट पाया गया है ना तो उसको क्या दिया जाएगा कंपनसेशन क्या देना होगा कंपनसेशन देना होगा ऐसे थोड़ी ना निकाल देंगे है ना उसका खर्चा देना पड़ेगा ठीक है तो वही दिया हुआ है इफ आई रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन अनलेस देयर रूल अंडर रेगुलेशन पर्सन फाउंड अ कॉन्ट्रैक्ट एनी डिसीज मतलब कोई भी डिसीज है उसको पाई जाती है ना पार्ट सी शेड्यूल थर्ड के अनुसार वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कौन सा एक्ट वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 प्रोविजन सेक्शन 3 एक्ट सेल बी एप्लीकेबल फॉर रिस्पेक्ट ठीक है तो उसमें कौन से एक्ट के अनुसार काम किया जाएगा फिर तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में जो दिया होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा ठीक है ना ठीक है ऐसे उसको नहीं निकाल देंगे जो भी उसका खर्चा वगैरह होगा वो उसको देंगे ठीक है किसके आधार पे देंगे ठीक है तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 ठीक है कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ठीक है मेडिकल एग्जामिनेशन का खर्चा कौन देगा तो पहले बता दिए कौन देगा ऑनर देगा ठीक है कौन देगा ऑनर देगा ठीक है एक लाइन में अब ये इंपॉर्टेंट है 29P बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं इसको थोड़ा समझना जरूरी है 29P एनुअल रिटर्न मेडिकल का एनुअल रिटर्न ये जरूरी है ठीक है सबसे पहले सुनो मेडिकल का एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में भर के देंगे तो फॉर्म टी में सबसे पहली बात ना फॉर्म टी में ठीक है प्रोडक्शन का किस में भर के देते हैं फॉर्म थर्ड में मेडिकल का किस में भर के देंगे तो फॉर्म टी में ठीक है
ठीक है, कब देंगे? तो कब देंगे क्वेश्चन बनता है तो मेडिकल का ना, तो 20 फरवरी से पहले, 20 फरवरी से पहले देंगे। किस फॉर्म में देंगे? फॉर्म टी में देंगे, ठीक है, 20 फरवरी से पहले देंगे या उससे पहले, ठीक है। किस फॉर्म में भर के देंगे? तो फॉर्म टी में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन याद रखना ना, दो क्वेश्चन 20 फरवरी के पहले कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इफ अ माइन अमेंडमेंट वर्किंग देयर फॉर डिसकंटिन्यू ओवर पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज, इफ अ चेंज ओकर ओनरशिप माइन, द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सब रूल शैल बी सबमिटेड विद इन अ 30 डेज ऑफ अमेंडमेंट और अ चेंजिंग ओनरशिप विद इन अ 90 डेज डिसकंटिन्यू इन केस भी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी है, समझ में नहीं आता है। अगर ओनर चेंज होता है, ठीक है, उसका अगर ओनर चेंज होता है तो मेडिकल का एनुअल रिटर्न कितने दिन पहले देना है? 30 दिन पहले, 30 डेज पहले, ठीक है। अगर माइन डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसका एनुअल रिटर्न कितने दिन पहले देना है? तो 90 दिन पहले, 90 डेज। अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो 90 दिन पहले, अगर ओनर चेंज होगा तो 30 दिन पहले एनुअल रिटर्न देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां से अपना ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। तो आज हमने क्या कहां लिखा है? 90 डेज लिखा होगा ना, यहाँ ये लिखा तो है, कहां पे दिया है? अरे 60 दिन से अधिक काम बंद है, 60 दिन से अधिक काम बंद है, वही डिसकंटिन्यू है ना। हाँ, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। इतनी चीजें बनी यहां से, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लो, है ना। रीअपीली मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, कितने दिन पहले आवेदन दे सकता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अनफिट पाया जाता है तो 30 दिन पहले देगा, ठीक है। रीअपील, दोबारा अपील कर सकता है, ठीक है, मेडिकल के लिए, ठीक है, जांच हो उसकी, ठीक है। उसके बाद रीअप्लाई मेडिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है, आईएमई किस फॉर्म में भर के देंगे? किस फॉर्म में? तो फॉर्म पी में, ठीक है। पीएमई किस फॉर्म में, है ना, री एग्जामिनेशन का ना, एग्जामिनेशन का नहीं, तो P1 में, ठीक है। री एग्जामिनेशन का, हाँ, वो पूरा इकट्ठा बता रहे हैं, इकट्ठा, रूल के हिसाब से बताएं। अच्छा, ठीक है, मिल जाएगी, दे देंगे 29J में देखेंगे, ठीक है। सुनो, सबसे पहले 29J में क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कितने दिन के अंदर दोबारा अपील कर सकता है री एग्जामिनेशन के लिए? तो 30 दिन पहले, ठीक है। किस फॉर्म में देंगे नोटिस? कितने दिन पहले देना है री एग्जामिनेशन के लिए? कितने दिन पहले? 15 दिन पहले री एग्जामिनेशन के लिए ऑनर देगा 15 दिन पहले कि हाँ भाई आ जाओ जांच कराने, ठीक है। री मेडिकल के लिए, मतलब री एग्जामिनेशन के लिए किस फॉर्म में भर के देगा? तो फॉर्म आर में ना, री एग्जामिनेशन के लिए किस फॉर्म में भर के देगा? तो फॉर्म आर में, ठीक है। तीन क्वेश्चन यहां से बने थे, ठीक है। अगले 29L था, वहां से कुछ नहीं था जरूरी, कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। एल के बाद अब देखोगे तुम, एल कह रहा हूं, ये के रूल के 29K, उसमें एक याद रखना, 29K में एक क्वेश्चन कि अप्लाई मेडिकल बोर्ड के लिए मीटिंग साल में कितने बार बुलाना है? एक साल में 4 बार, ठीक है। अप्लाई मेडिकल बोर्ड के लिए मीटिंग साल में 4 बार, ठीक। 29L देखो, ठीक है। री एग्जामिनेशन के लिए आईएमई किस फॉर्म में? फॉर्म पी में,
री एग्जामिनेशन के लिए पीएमई फॉर्म P1 में, ठीक है, री एग्जामिनेशन के है ना जांच रिपोर्ट, री एग्जामिनेशन की जांच रिपोर्ट किस फॉर्म में, फॉर्म एस में, ठीक है। इतक उसका हमने क्या बताया, एनुअल रिटर्न, कितने तारीख के पहले भेजना है, 20 फरवरी के पहले, ठीक है। किस फॉर्म में देना है, तो फॉर्म टीम है, ठीक है, एनुअल रिटर्न है ना अपना बना, ठीक है। तीसरा बना था कि अगर कोई माइन डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसका एनुअल रिटर्न कितने दिन पहले देना है, तो 90 दिन पहले। चौथा बना था अगर किसी माइन का ओनर चेंज होता है तो उसका एनुअल रिटर्न कितने दिन पहले देना है, तो 30 दिन पहले। यहां से अपना ये चैप्टर होता है खत्म। अगला चैप्टर देखेंगे अपन, चैप्टर 4B है ना, वर्कमैन इंस्पेक्टर एंड सेफ्टी कमेटी है ना। वर्कमैन इंस्पेक्टर में के लिए क्या क्या, कब रखा जाएगा वर्कमैन इंस्पेक्टर, ठीक है, कितने सालों के लिए रखा जाएगा, ठीक है, क्या ड्यूटी रहेगी उसकी, ये सब देखेंगे अब अपन 29Q में, ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में सब कुछ एकदम जरूरी बनेगा यहाँ से ना, क्वेश्चन ध्यान से सुनते चलना वर्कमैन इंस्पेक्टर से ना, एक एक लाइन पढ़ेंगे उसके बाद समझाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, बीच में कुछ मत बोलना, अभी पढ़ रहे हैं। फॉर एवरी माइन वेयर 500 और मोर पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, ओनर एज मजर से डिस्टिकेट देयर 3 सुटेबल क्वालिफाई एम्प्लॉय ऑफ द माइन है ना, कंसल्टेशन विद रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन माइन वेयर आर अ मोर देन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, द यूनियन रिकोगनाइज द पर प्रोसीडर प्रैक्टिस रिप्रेजेंटेटिव यूनियन मेंबरशिप रिकॉर्ड अवेलेबल पॉइंट नो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने पे रखा जाएगा, तो 500 या 500 से अधिक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय रहेंगे वहां पे क्या रखा जाएगा, वर्कमैन इंस्पेक्टर, ठीक है। कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर रखे जाएंगे, तो 3 रखे जाएंगे, ठीक है, 500 पे या 500 से अधिक में। एक माइनिंग का रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रिकल का रहेगा और एक काय का रहेगा, मैकेनिकल का, ठीक है। अगर 500 से अधिक है ना 500 या 500 अधिक है, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर रखा जाएगा, ठीक है, ओनर एजेंट मैनेजर की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। कितने रखना है 500 पे, 3, एक माइनिंग का, एक इलेक्ट्रिकल का और एक मैकेनिकल का, ठीक है, 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि अगर, अब यहाँ थोड़ा समझना, अगर 1500 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब 1000 पे एक, जैसे देखो 1500 है, ये 1600 हो गए, तो 3 थे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक 4 रहेंगे, 2500 तक, 1000 तक, ठीक है, जैसे 1500 से 2500 तक कितने रखेंगे, 4 पर। सिर्फ किसका बढ़ाना है वर्कमैन इंस्पेक्टर, सिर्फ माइनिंग का बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हमेशा उतने ही रहेंगे, सिर्फ एक माइनिंग का बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे 1500 लोग हैं, है ना, समझ रहे हो, ठीक है, 1500 के बाद जैसे 1600 हो गए, है ना, 1500 एक हो गया, 2500 तक, है ना, कितने रहेगा, एक बढ़ाएंगे, वो भी किसका बढ़ाएंगे, सिर्फ माइनिंग का, है ना, माइनिंग का, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का नहीं, है ना, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने पे रखना है, कंफ्यूजन होगा लोगों को, 500 या 500 से अधिक पे क्या रखेंगे, एक अधिक पे एक वर्कमैन इंस्पेक्टर रखा जाएगा, ठीक है, ठीक, 3 रखे जाएंगे, सॉरी 500 से 3 रखे जाएंगे, काहे काहे करेंगे, एक माइन का रहेगा, एक इलेक्ट्रिकल और एक मक, ठीक है, 1500 तक अपने 3 ही रहेंगे, ठीक है, और 1500 से 2500 के बीच में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, पर वो एक जो रखेंगे काहे का रहेगा, माइनिंग का रहेगा, ये भी क्वेश्चन आता है ना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कितने रहेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना, एक जो रहेगा वो काहे का रहेगा, माइनिंग का रहेगा, ठीक है, यहाँ तक हुआ, ठीक, जो दिया है। फिर इन एवरी माइन ओनर जनसन कंटिन्यू ले डाउन क्लोज एंड वर्कमैन इंस्पेक्टर हुए भी सब्स्टिट्यूट ड्यूरिंग, ठीक है, अगर वो ऑप्शंस है तो उसकी जगह में किसी दूसरे को रख सकते हैं, ओनर एजेंट मैनेजर, है ना, सब्स्टिट्यूट फील्डर जैसे रखते हैं, सब्स्टिट्यूट पता है ना, क्रिकेट देखते हो गए ना, सब्स्टिट्यूट फील्डर रखते हैं, है ना, पैनल देयर सेल विल लिस्ट, जो देखते हो समझ जाओ सब्स्टिट्यूट का मतलब,
वन वर्कमैन इंस्पेक्टर ईच माइनिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्टैंड एंड ऑपरेशन, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल एक मैकेनिकल को एक माइनिंग का। इलेक्ट्रिकल का क्यों रखा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित काम के लिए। मैकेनिकल का क्यों रखा जाएगा, मैकेनिक मशीनों को इंस्टॉल वगैरह करने के लिए, है ना। नो पर्सन शैल बी एक्ट वर्कमैन इंस्पेक्टर अनलेस, ठीक है, किसी को उसको वर्कमैन इंस्पेक्टर नहीं बना सकते, किसको, कम से कम क्या होना चाहिए उसके पास, ओवरमैन या फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वेश्चन आता है, या तो ओवरमैन या तो फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, दो में से कोई सा भी, ठीक है, वर्कमैन के लिए इन दोनों में से कोई सा भी सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है, या तो ओवरमैन का रहे या तो फोरमैन का रहे, ठीक है। क्या बोल रहे हो, फिर अपना है इनर रिलेशन इलेक्ट्रिकल मशीनरी स्टाइल वाइज जो बताया तुमको इलेक्ट्रिकल के लिए, है ना, कम से कम उसके पास क्या डिग्री होना चाहिए, तो कम से कम इंजीनियरिंग होनी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिकल हाँ डिप्लोमा बीटेक कुछ भी हो तो चलेगा, है ना, इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। मैकेनिकल के लिए भी क्या चाहिए, अगर उसको वर्कमैन इंस्पेक्टर बनाता है मैकेनिकल का, तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा कुछ भी हो तो वो बन सकता है, ठीक है, नॉट लेस देन यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, नॉट लेस देन ओवरमैन फोरमैन इलेक्ट्रिकल सुपरविजन, ठीक है, ये सब सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन माइन इंक्लूडिंग 2 ईयर इन वर्कमैन इन द माइन, ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर बनने के लिए कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 5 साल का, ठीक है, और जिस माइंस के लिए बनाया जा रहा है उसमें कितने साल का चाहिए, 2 साल का, दोनों क्वेश्चन आते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल का, और जिस खदान में बनाया जा रहा है उस खदान में कितना चाहिए, 2 साल का, कम से कम उसमें 2 साल काम किया, है ना, एक्सपीरियंस पूछेगा तो 5 साल, और जिस खदान के लिए बनाया जा रहा है उसमें कम से कम 2 साल। He has undergone the training and course work when inspector consisting not less than 30 lecture, not less than, ठीक है, ठीक है, वर्कमैन को कितनी ट्रेनिंग दी जाएगी, कम से कम 30 दिन की, ठीक है, और एक लेक्चर कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का, 2 घंटे से कम नहीं रहेगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा, वर्कमैन को कितने दिन की, नहीं इससे ज्यादा नहीं, कम से कम पूछेगा ना, कम से कम कितने दिन की ट्रेनिंग देनी चाहिए, 30 दिन की, ठीक है, एक क्लास कितने घंटे की रहेगी, तो 2 घंटे से कम की नहीं रहेगी, ठीक है, वो 30 दिन कंटिन्यू भी हो सकते और छोड़ छोड़ के भी हो सकते हैं, है ना, ट्रेनिंग के लिए, ठीक। द वर्कमैन इंस्पेक्टर सेल परफॉर्म अ ड्यूटी मेंशन, ठीक है, वही सब कुछ दिया है, 2 डेज एवरी वीक, ठीक है, पूछेगा वर्कमैन इंस्पेक्टर हफ्ते में कितने दिन काम करेगा, कितने दिन करेगा, 2 दिन, ठीक है, हर हफ्ते कितने दिन, है ना, चेक करेगा सब कुछ जो भी रहेगा सेफ्टी से रिलेटेड, है ना, प्री मेच्योर कोलैप्स वगैरह होने वाला रहता है वो भी देखेगा, है ना, सब क्वेश्चन है। द ऑनर एजेंट मैनेजर सेल बी वर्कमैन इंस्पेक्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकिंग इंस्पेक्शन मेजरमेंट एग्जामिनेशन इंक्वायरिंग कनेक्शन विद द ड्यूटीज, ठीक है, एंड ऑप्शन माइन सेल वर्कमैन इंस्पेक्टर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, द वर्कमैन इंस्पेक्टर में कैरी आउट द इंस्पेक्शन एट एनी टाइम, ठीक है, किसी भी समय कर सकता है। द वर्कमैन इंस्पेक्टर सेल नोट इंस्पेक्ट, ये भी ठीक है, नोट्स फाइव, ठीक है, द वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड सब रूल हिज ऑफिस होल्ड वंस फॉर पीरियड 3 ईयर, ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल कितने साल का होगा, 3 साल का, ना याद रखना ना, ठीक है, अगर माइंड में कोई खतरा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ऑनर एजेंट मैनेजर उसको तुरंत कहेगा वर्कमैन को, है ना, जाके उसको देख के आओ क्या प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में हमको बताओ, ठीक है, बस इतने क्वेश्चन क्वेश्चन बनते हैं वर्कमैन से, क्या क्या बनते हैं, वर्कमैन कितने पे रखा जाएगा, 500 पे 3 रखे जाएंगे, ठीक है, 500 से अधिक पे अपन को क्या रखना है, वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना है, ठीक है, कितने रखना है, तो अपन को 3 रखना है, एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का रहेगा, है ना, और एक माइनिंग का, ठीक है, 1500 से 2500 के बीच जैसे बढ़ गया तो कितना एक बढ़ा देना है, ठीक है, किसका बढ़ाएंगे, सिर्फ माइन का, कितने हो जाएंगे वर्कमैन इंस्पेक्टर, 4 हो जाएंगे, है ना, 1000 पे एक बढ़ा देना है, ठीक है, 1000 पे एक बढ़ा देना है, जैसे 1500 से 2500 तक 1000 है, अगर 2600 हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है, माइन का बढ़ाना है सिर्फ, ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर के क्या क्वालिफिकेशन चाहिए,
या तो उसके पास फोरमैन या तो ओवरमैन का क्या हो, सर्टिफिकेट हो, ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल कितने साल का होता है, 3 साल का, ठीक है। वर्कमैन के लिए ट्रेनिंग के लिए कितने दिन तक क्लास देना है, कम से कम 30 दिन तक। कितने घंटे की क्लास होनी चाहिए, तो एक दिन में कम से कम 2 घंटे की। वर्कमैन इंस्पेक्टर का एक हफ्ते में कितने दिन काम रहता है, कितने दिन रहता है, 2 दिन, ठीक है। एक वीक में कितने दिन, 2 दिन काम करता है ना, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या होता है, ये कंप्लीट।